को लिए चलते हैं। विनय कटियार क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को थी पहले से। इसके साथ साथ इसकी जानकारी कांग्रेस के नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय की, उनको भी। आप किस तरीके से देखते हैं कोबरा बूस्ट के स्टिंग ऑपरेशन? नहीं, ये सब बकवास है और इस पर हम लोगों के सीबीआई में बयान हो चुके हैं, अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है। और ये ऐसे समय पर कांग्रेस ने सारा खेला किया है जब उसकी नैया डूब रही है देश के अंदर। इस समय जनता गरीबी से परेशान है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, ये चारों तरफ जब बोलबाला है और कांग्रेस की नैया डूब रही है, ऐसे समय कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से इसको प्रस्तुत करने का काम किया। क्योंकि मैं अभी जो विजुअल देख रहा था उसमें 23 अक्टूबर 2 नवंबर का दिखाया जा रहा विजुअल है, जो जबकि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिसमें गोली चली थी, पूरी अयोध्या रक्तरंजित हो गई थी उस समय का, और उसके साथ ढांचा गिराने के साथ जो संबंध जोड़ा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ कहीं वो टीला गिराते हुए दिखाया गया, वहां से सड़क बन रही है, वहां सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, वो सड़क को दिखाया गया है कि वो ढांचा गिराने के साथ जो संबंध जोड़ा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ कहीं वो टीला गिराते हुए दिखाया गया, वहां से सड़क बन रही है, वहां सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, वो सड़क को दिखाया गया है कि वो इस प्रकार का काम हुआ, तो ये तो सब बकवास है और कुछ नहीं है। कोबरा पोस्ट ने जितना भी काम किया है सब बकवास है, और ये जानबूझ करके कांग्रेस के सह पर ये एक उन्होंने संवेदनशील मुद्दे को कैसे एक फिर हवा दी जा सके, इसको उछालने का काम किया गया। आपको लगता है कि जिस तरीके से इसमें नरसिम्हा राव का भी नाम आया है, बीजेपी को तो लोग जिम्मेदार बना रहे हैं। तो आप सुन रहे थे।